जी हाँ, अब लोक सेवा आयोग करा सकता है इस बड़ी भर्ती परीक्षा को। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जहाँ पर 8 अलग अलग बड़े डिसीजन लिए गए थे। उनमें से एक ये डिसीजन भी था कि अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की जो भर्ती होती है और उसमें तमाम समय समय पर आरोप लगते रहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है यानी कि जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, अब वह बदलने वाली है। जी हाँ, अब वो बदलने वाली है। स्कूल और महाविद्यालय पहले इसकी भर्ती खुद करता था, लेकिन अब ये लोक सेवा आयोग से हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, पहले स्कूल मैनेजमेंट इसकी भर्ती करता था, लेकिन अब ये जो है लोक सेवा आयोग से ये भर्ती हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ कहा है कि यहाँ पर कल कैबिनेट ने डिसीजन किया है कि लोक सेवा आयोग के साथ साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यह भर्ती कराई जा सकती है। यानी कि अब जो है आयोग इन भर्तियों को कंडक्ट कराने की सोच रहा है। यानी कि सरकार अब, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा बड़े सवाल उठते हैं, बीच में कैबिनेट ने इन भर्तियों की रोक लगा थी, अभी जांच बैठ रही है, कुछ कमेटी भी इसकी जांच करेगी। तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा समिति गठन की गई है। इसमें अपर सचिव उच्च शिक्षा एवं अपर सचिव कार्मिक व अपर सचिव न्याय को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि उप सचिव आप देख सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग और विशेष आमंत्रित सदस्य निदेशक भी जो है इसमें पार्टिसिपेट थे। और यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब जैसे कि आपको पता है कि 21 अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यदि अलग से आयोग बनाया गया, इस पर जो है खर्च ज़्यादा आएगा, इसीलिए यहाँ पर ये भर्ती या तो लोक सेवा आयोग या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा की जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि LT की भर्ती जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है, तो और लेक्चरर्स की भर्ती लोक सेवा आयोग कराता है। तो ये बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है और आने वाले समय में आपको अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों की भी भर्तियां लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होती हुई नजर आएंगी। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।